नमस्कार, इस वक्त आप लाइव तस्वीरें देख रहे हैं हरियाणा के करनाल से, करनाल के जिला सचिवालय से, जहां जाट सभा के तमाम जो सदस्य हैं वो किस तरीके से आज सड़कों पर उतरकर एक बार चेतावनी देने यहां पर पहुंचे हैं। जो सीरियल दिखाया जाता है, अहिल्या बाई सीरियल बताया जा रहा है, जिसमें राजा सूरजमल जो भरतपुर के राजा थे उनका गलत तरीके से दिखाया गया है, जो इन्होंने आरोप लगाए हैं और सख्त चेतावनी डायरेक्टर को दी है, और जो इनसे बातचीत करेंगे कि क्या कुछ जो है इनका कहना है और क्या कुछ जो है ये मांग करते हैं। एक बार आप देख सकते हैं कि पोस्टर जो है उस सीरियल का यहाँ पर जरूर नजर आ रहा है कि जो पुण्य श्लोक अहिल्या बाई सीरियल है उसमें राजा सूरजमल को जो अलग तरीके से जो भी दिखाया गया है या फिर किस तरीके से गलत दिखाया गया है उस बारे में कहीं ना कहीं यहाँ पर पहुंचे हैं और एक हफ्ते का टाइम देते हुए नजर आ रहे हैं। और ये देख सकते हैं, एक तरफ जो है सूरजमल जाट जिनकी पोस्टर जो है हाथों में लेकर उतरे हैं, और कहीं ना कहीं डायरेक्टर जो है उनको एक चेतावनी जरूर दी गई है। और इनको ये आ रहा हुआ दिखा रहे हैं, किसने दिखाया? पुण्य श्लोक अहिल्या बाई के नाम से सीरियल है, सोनी टीवी पे चलता है, उसमें दिखाया हुआ है। हम हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं पहले तो, और डीसी साहब को ज्ञापन सौंपते हैं कि इस सीरियल को जो ये सीन दिए हुए हैं या तो इनको काट दो, नहीं तो हमें सड़कों पे आना पड़ेगा और फिर ठीक नहीं होगा। ये एक हफ्ते की चेतावनी, साढ़े 7 फुट का छोरा भाई योद्धा था, बड़ा तगड़े योद्धा थे, महाराजा सूरजमल ने पूरा पूर्ण समाज जानता है, उन्होंने कभी कोई युद्ध नहीं हारा। और ये जान जान कर पहली पानीपत मूवी रिलीज हुई, पानीपत मूवी में उनको कायर बुज्जिल दिखाया गया, अब दोबारा से छेड़खानी की गई है। इतिहास के साथ छेड़खानी नहीं चलेगी, पूर्ण समाज रोष में है, अगर एक हफ्ते के बाद कार्रवाई नहीं हुई पूर्ण समाज सड़कों पर होगा। तो सर कौन अनुमति देता है इस प्रकार से इतिहास? ये डायरेक्टर और प्रोड्यूसरों को सोचना चाहिए, नहीं पूर्ण समाज ने इकट्ठे होकर सारी सड़कें जाम कर देगा, उसका खामियाजा जो है सरकार। कौन है डायरेक्टर ऐसा जिसके खिलाफ कोई क्रिश चौहान नाम? हाँ, जैक्सन सेट्टी को ही डायरेक्टर बताया जा रहा है, उसका हमारी सख्त चेतावनी है जाट समाज। इस वीडियो भाई नाम से एक सीरियल आता है, जैसे सीरियल में एक नाटक का एक रूपांतरण हमने कल देखा, उसमें महाराजा सूरजमल जी को बुज्जिल और कायर बताने का काम किया गया है। तो प्रोड्यूसर और डायरेक्टरों को सख्त चेतावनी है कि इस प्रकार के इतिहास के साथ छेड़खानी ना करें, क्योंकि महाराजा सूरजमल केवल जाट जाट समाज के पूर्वज नहीं थे, सर्व समाज के पूर्वज थे, और 7.5 फुट के वो योद्धा आज तक कभी भी कोई युद्ध नहीं आ रहे थे। इतिहास के साथ ये छेड़छाड़ नहीं चलेगी। क्या आश्वासन दिया है? आश्वासन ये दिया है कि हम 2-4 दिन में आज ही कार्रवाई शुरू कर देंगे, और 2-4 दिन बाद ही आपको इस चीज़ का रिजल्ट मिल जाएगा कि हम कोई ना कोई इसके ऊपर कार्रवाई कानूनी जरूर करेंगे। जी, एक ज्ञापन डीसी साहब के नाम और एक चेतावनी ये है कि आज तो करनाल केंद्र है जाट महासभा की तरफ से और MSO ग्रुप करनाल की तरफ से ये लिखित में दिया गया है, अगर इसमें कोई कार्रवाई नहीं होती तो आने वाले टाइम में ये करनाल में नहीं, ये पूरे हरियाणा, पूरे हिंदुस्तान में चलेगा, पूरे हिंदुस्तान में होगा। युवा तो अभी तो वेट ही करेंगे कि कोई कानूनी कार्रवाई की जाए, कार्रवाई नहीं होती तो फिर उसके ऊपर रूपरेखा बना के हम उसका बाद में बताएंगे आप लोगों को। नहीं, सड़कें वगैरह जाम नहीं करेंगे हम, काचा कुछ नहीं करेंगे, शांति प्रिय, हम कानून पर विश्वास है, वो अपना काम करेगा बहुत अच्छे तरीके से। हाँ जी, क्या नाम आपका? धर्मवीर नरवाल जी। जी, हमें समाज द्वारा ज्ञापन दिया गया और मांग की गई है कि जो डायरेक्टर हैं प्रोड्यूसरों के खिलाफ कार्रवाई की जाए, बिना किसी इतिहास को बढ़े हुए कल को एक TRP बढ़ाने की चक्कर में चक्कर में चल रहा है। पीछे भी उन्होंने कोशिश करी थी फिल्म में, उसी तरह से पानी का मूवी आती थी उसमें हमारा सुरमल को बोर्न और लाल जी ये बताया गया, फिर हमने वो यहाँ बंद करवाया, पुलिस कार्रवाई की, पुलिस कार्रवाई की गई है, कार्रवाई की गई एक बार ज्ञापन देते हुए।